हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आलू के समोसे की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आटा गूंद के तैयार कर लेंगे। हम ले रहे हैं 2 कप मैदा, इसी के साथ ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1/3 कप घी हम ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो इसकी जगह रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें 1/2 टीस्पून अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अजवाइन नहीं डाल रही हूँ। अब हम आटे को घी में अच्छी तरह 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। इस तरह से मसल मसल के हमें मिक्स करना है, हमें इसका मोइन तैयार करना है। और अब इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करके हमें इसका डो तैयार करना है। हम इसका स्टिफ डो तैयार करेंगे, सॉफ्ट डो नहीं बनाना है। और ये डो तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा करके इसे 20 मिनट के रेस्ट पर रख देंगे। यहाँ पर हमने 6 बड़े साइज़ के आलू को बॉयल करके इस तरह से अनइवन सा तोड़ लिया है। और मसाले हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टेबल स्पून रोस्टेड धनिया जीरा पाउडर, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हमने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। चूल्हा मीडियम हीट पे ऑन है। ऑयल गरम होते ही हम इसमें 1 टीस्पून साबुत जीरा डाल रहे हैं, 1/2 टीस्पून क्रश जिंजर डाल रहे हैं, 1/2 कप हमने उबले हुए मटर डाल दिए हैं। और इसे हम 2 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें मसाला मिक्स किए हुए आलू ऐड कर देंगे और इसे हम 2 मिनट के लिए इस तरह से मिक्स करते हुए पकाएंगे। और यहाँ पे 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, चूल्हे को बंद कर दिया है। और हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश हरा धनिया, इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो ये आलू बिल्कुल तैयार हैं और यहाँ पे आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसको इस तरह से रोल करते हुए इसमें कट लगा करके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे और इस तरह एक रोटी सी बेल लेंगे। बहुत मोटी रोटी नहीं बनानी है, बहुत पतली भी नहीं। बीच से कट लगा करके हमें इसकी साइड पे पानी लगाना है और इसे अच्छे से चिपकाना है। बहुत अच्छी तरह से इसका चिपकना ज़रूरी है, वरना ये खुल जाता है अगर ऑयल में, तो इसकी स्टफिंग ख़राब हो जाती है, इसका लुक भी ख़राब हो जाता है। तो अच्छी तरह से चिपका करके हमें इस तरह से कोन की शेप बनानी है। और बीच में हम 1 से 1.5 टेबल स्पून आलू की फिलिंग ऐड करेंगे और फिर से हम इसकी किनारियों पर पानी लगा करके इसे फोल्ड करते हुए चिपका देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन एक समोसा सेट हो गया है। इसी तरह से हम बाकी के समोसे भी सेट कर लेंगे। तो समोसे घर पे बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही मज़ेदार बन सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें ऐड कर सकते हैं और इसे आप बना करके फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कप आटे में 16 समोसे तैयार हुए हैं। अब हमने मीडियम हीट पे ज़्यादा सा ऑयल गर्म कर लिया है और समोसे डालने से पहले हमने चूल्हे को लो कर दिया है। तो एक बार में जितने समोसे कढ़ाई में आ जाएंगे उतने ही हमें इसमें ऐड करने हैं। इससे समोसे बहुत अच्छी तरह फ्राई होते हैं, इक्वली कलर आ जाता है। तो यहाँ पे हमने 8 समोसे डाल दिए हैं। अब हम इसे मीडियम टू लो हीट पे फ्राई करेंगे 12 से 15 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इस तरह से मिक्स करते हुए हमें इसको फ्राई करना है। बहुत धीरे धीरे करके हमें इसकी साइड चेंज करनी है। इसको फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये देखिए, 12 से 15 मिनट में बेहतरीन समोसे फ्राई हो चुके हैं। बहुत अच्छा सा इन पे कलर आ गया है, बहुत क्रिस्पी हैं। तो गर्मा गर्म समोसे बिल्कुल तैयार हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।